सीरियल जीजी माँ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सुयश और फाल्गुनी है लीड कपल, नियति और विभान है लीड कपल, लेकिन विलन है उत्तरा, जो एकाएक अपने कारनामों से काफ़ी परेशान कर रही है दो बहनों की। जी हाँ, दो बहनों की कहानी है ये, जिसमें नियति को बर्बाद होने से बचाने के लिए फाल्गुनी खुद को बदल चुकी है, लेकिन फाल्गुनी की जान लेने की कोशिश में फिर से उत्तरा चलेगी नई चाल। जी हाँ, आप देखेंगे किस तरह से खीर में शीशा मिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश करेगी उत्तरा, लेकिन बचा लेगी नियति अपनी बड़ी बहन, अपनी चीजी माँ यानी कि फाल्गुनी को। बता दें आपको, शो में आप देखेंगे इस तरह से फाल्गुनी जो खीर खाने के लिए आएगी वो काफ़ी खुश होगी, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तरा अपने चाल से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। इन सभी ड्रामे से भरपूर अपकमिंग ट्विस्ट है जिससे जुड़ी है हमारी ये खास रिपोर्ट। तो देखिए इस खास रिपोर्ट में किस तरह से खुलेगा ये राज शो में। जी हाँ, शो में उत्तरा, नियति और फाल्गुनी के बीच का ड्रामा, जहाँ फाल्गुनी की मौत के जाल बिछाने के लिए उत्तरा एक और नई चाल चलने वाली है। क्योंकि नियति भी चाल चलती है और उत्तरा देवी के होठ चिपक जाते हैं, तो अब वो उनको टेम्प्ट करने के लिए खीर बनाती है और जीजी माँ को खिलाती है। जीजी माँ को कैसा लगता है खीर जो नियति ने बनाया? बहुत ही यम्मी यम्मी, क्योंकि मेरे से सीखी है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं फाल्गुनी उत्तरा देवी को टेम्प्ट करने की कोशिश करती है। नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ, तो मैं इनोसेंटली बोलती हूँ कि माँ आप खा नहीं सकती ना, इसलिए आपके हिस्से का भी मैं खा जाऊँगी। हाँ, ताकि आपको लगे कि आपने खा लिया, पर फिर मैं रोक देती हूँ क्योंकि उत्तरा देवी उसमें कांच मिलाने जा रही थी। मुझे yes. चलाकी से वो ना फोक लेने के लिए भेज देते कि चल मैं, ताकि पीछे से वो कांच डाल देंगी, लेकिन मेरी बहन बचा लेती है क्योंकि मैं इसकी जीजी माँ बन गई हूँ। यस, थैंक यू। काम करके गए उधर। ओके, चलो रेडी सर। ऑर्डर सर, अभी क्या कर लेंगे ऐसा कुछ। ऑर्डर सर, पीस के चावल कट करो। खीर डाला नहीं डाला? भरो खीर नीचे खत्म हो गया। नियति उनको वॉश तो करो यार। कट कर क्यों नियति काम में बोल बेटा, आए खीर में एक बार बजाओ फिर देखो तिरछी नजर से। अभी देखो।
मैं भी डालना तो भूल ही गई। आपने जो मेरी जीजी माँ पर जुल्म किए हैं उनके सामने ये कुछ भी नहीं, आपके साथ तो और बहुत बुरा होगा। सजेशन देखो उनको, बस देखते जाइए। सजेशन देखो उनको, लव और ये फाल्गुनी आई माँ, मत खीर बना रहा है। कहाँ देखो फाल्गुनी माँ, ये तो खीर की खुशबू है ना। हाँ मैंने बनाई, अभी देती हूँ। नहीं तुमने बनाई है तो मुझे नहीं खानी। होल्ड, थोड़ा सा लुक चीट करो। नहीं थी हाँ ऐड अभी देती हूँ। नहीं तुमने बनाई है तो मुझे नहीं खानी। ओहो अब क्या करें, खीर तो मैंने मॉम के लिए बनाई थी पर उनका तो व्रत था जिस वजह से वो नहीं खा पा रही है। नियम के हिसाब से तो आपको खाना चाहिए पर ठीक है। हमारे बाल बन पे इतना बड़ा काम नहीं। अच्छा ठीक है, तुमने माँ के लिए बनाई है ना तो मैं जरूर खा लूंगी। दे दो अभी दे दो। एक ये खीर को फॉलो करना। आज हम वही पेज पे शिफ्ट कर दो लाइक है तो। नहीं नहीं एक मिनट, मैं मेवे डालना तो भूल ही गई। हाँ ये लाइन में वाली कुछ रहना रियल लुक देना था एक्शन। एक मिनट मैं मेवे डालना तो भूल ही गई। मेवा देख के फॉलो करो वही। तो मेवा के बाद में डालने का
एक बार गरम होगा हाथ पे तो वो मार देती है ना। हाँ माँ मैं तो खेलता हूँ। नहीं नहीं जाते मैं ठीक है कि मैं क्योंकि नियति भी चाल चलती है और उत्तरा देवी के होठ चिपक जाते हैं तो अब वो उनको टेम्प्ट करने के लिए खीर बनाती है और जीजी माँ को खिलाती है। जीजी माँ को कैसा लगता है खीर जो नियति ने बनाया? बहुत ही यम्मी यम्मी क्योंकि मेरे से सीखी है ना। हाँ तो कहना कि फाल्गुनी उत्तरा देवी को टेम्प्ट करने की कोशिश करती है खीर खाकर। नहीं मैं तो इनोसेंट हूँ तो मैं इनोसेंटली बोलती हूँ कि माँ आप खा नहीं सकती ना इसलिए आपके हिस्से का भी मैं खा जाऊँगी ताकि आपको लगे कि आपने खा लिया पर फिर मैं रोक देती हूँ क्योंकि उत्तरा देवी उसमें कांच मिलाने जा रही थी। मुझे चलाकी से वो ना फोक लेने के लिए भेज देती है किचन में ताकि पीछे से वो कांच डाल देंगी लेकिन मेरी बहन बचा लेती है क्योंकि मैं इसकी जीजी माँ बन गई हूँ। यस थैंक यू।